मेरी एक ही वीकनेस है कि मेरी कोई वीकनेस नहीं। जब इंटरव्यूअर आपको आपकी वीकनेस के बारे में सवाल पूछे तो प्लीज ऐसे जवाब मत देना, अगर दिया तो इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। नमस्ते, हेलो, आदाब, स्वागत है आपका हमारी सीरीज में जिसका नाम है शुरुआत कर इंडीड पर। यहां हम जॉब्स, इंटरव्यूज, करियर से रिलेटेड आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं, डाउट सॉल्व करते हैं और करियर में आगे बढ़ने के लिए टिप्स देते हैं। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एक बहुत जरूरी सवाल के बारे में। नॉर्मली जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारा फोकस हमारी स्ट्रेंथ्स पर होता है, लेकिन जब इंटरव्यूअर हमारी वीकनेसेस के बारे में पूछते हैं तो अक्सर सन्नाटा सा छा जाता है। लेकिन फिगर नॉट, क्योंकि हमारे पास है कुछ टिप्स जो आपको इस सवाल का जवाब देने में हेल्प करेंगे। वीडियो के एंड तक वेट करिएगा क्योंकि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक जबरदस्त बोनस टिप। और हाँ देवी और सज्जनों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हाय, और अगर इंडीड ऐप अभी भी डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। टिप्स का सिलसिला शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। वो ये सवाल पूछते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप खुद को, खुद की कमजोरियों को कितना जानते हैं और उनको ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हैं। अब बारी है टिप्स की। इंटरव्यू में व्हाट आर योर वीकनेसेस के जवाब देने के 5 टिप्स। यूजुअली लोगों का गो टू आंसर होता है ओह आई एम अ परफेक्शनिस्ट या माय बिगेस्ट वीकनेस इज दैट आई हैव नो वीकनेस। कभी कभी लोग अपनी वीकनेस को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि समझो वो वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ है, जैसे कि आई वर्क टू हार्ड और आई एम टू पंक्चुअल। हर इंटरव्यूअर को पता है कि दिस आंसर इज बकवास। ध्यान रखिए कि आप अपनी वीकनेस को आपके मेन जॉब रोल से दूर रखें। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं 5 एग्जांपल्स जो आपको आपका जवाब तैयार करने में हेल्प करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, आई स्ट्रगल विद मल्टीटास्किंग। मुझे मल्टीटास्किंग की आदत नहीं है। किसी भी जॉब में मल्टीटास्क करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह करना मुश्किल हो सकता है। इंटरव्यू के वक्त अगर आप ये हाईलाइट करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं, माई वीकनेस इज दैट आई ट्राई टू डू टू मेनी थिंग्स एट वंस। मल्टीपल टास्क एट वंस कैन बी क्वाइट डिस्ट्रैक्टिंग एंड रुइन माई प्रोडक्टिविटी। हाउएवर आई हैव बीन पेइंग मोर अटेंशन टू हाउ आई वर्क एंड आई ऑलवेज मेक श्योर टू आउटलाइन एंड प्रायोरिटाइज ऑल ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई अटेम्प्ट टू टैकल देम वन एट अ टाइम रादर देन जगलिंग 3 एट वंस। इस जवाब से आप एडमिट कर रहे हो कि आपकी वीकनेस मल्टीटास्किंग है, लेकिन आप ये भी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आप इस वीकनेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं बाय ट्राइंग टू डू योर टास्क्स वन एट अ टाइम एंड नॉट ऑल एट वंस। एग्जांपल नंबर 2, आई एम ओवरली सेल्फ क्रिटिकल। मैं खुद के काम से खुश नहीं होता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो यू कैन आंसर समथिंग लाइक दिस, माई वीकनेस इज दैट आई एम टू हार्ड ऑन माई सेल्फ and frequently feel as though I'm not giving my all or disappointing the people I work with. I have tried to overcome this by treating myself fairly and thinking of my achievements positively. इस आंसर से आप अपने इंटरव्यूअर को बता रहे हो कि आप खुद को प्रूव करने का बहुत स्ट्रेस लेते हो। इससे आप हो जाते हो बर्नआउट और अपने बारे में और भी नेगेटिव सोचने लगते हो। बट लास्ट लाइन में आप ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि खुद को अपनी अचीवमेंट्स याद दिलाकर पॉजिटिव रखने की। एग्जाम्पल नंबर 3, आई हैव अ टफ टाइम सेइंग नो। मुझे मना करना नहीं आता। कभी कभार जब कोई आपको काम दे और आपके पास ऑलरेडी बहुत काम हो, आपको उनसे ना कहने में दिक्कत होती है। अगर ये आपकी वीकनेस हो तो आंसर कैसे देंगे, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। माई बिगेस्ट वीकनेस इज द इनएबिलिटी टू से नो। आई जेन्युइनली डोंट लाइक टू लेट पीपल डाउन even when I have a lot on my plate. So, sometimes I end up taking more work than I should. However, I understand that finishing my task first is more important, which is why now I have been trying to say no whenever necessary. इससे इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि आप अपने टाइम और एनर्जी को संभाल कर खर्च करना सीख रहे हो। He will look at this as a sign of growth and maturity. Example number 4. I find it hard to seek help. मुझे मदद मांगने में दिक्कत होती है। अपने आप से काम खत्म करना किसको पसंद नहीं, मगर काम करते वक्त अटक जाते हो तो क्या करते हो।
Do you ask for help or do you try to figure it out for yourself? अगर आपको मदद मांगने से परेशानी है तो आप कुछ ऐसा जवाब दे सकते हैं. My weakness is that I usually find it difficult to ask for help when I need it because I am independent and enjoy getting things done on my own. I have found out that reaching out for help when I don't understand something or I'm feeling overworked is far more productive for me as well as the company. Example number 5. I lack experience. Mera experience kam hai. Ye bahut common hai. Jab aap ek fresher ho या फिर आपका स्किल सेट अपडेटेड ना हो. अगर आपको लगे कि आपका एक्सपीरियंस कम है तो आप सामने से उन्हें ये बता सकते हैं, या काफ़ी साल काम करने के बाद फील्ड चेंज करने पर भी आप फ्रेशर जैसा फील कर सकते हो. अगर ये आपकी वीकनेस है तो आपका जवाब कुछ ऐसा हो सकता है. आई एम अवेयर दैट आई मे नॉट हैव एज मच एक्सपीरियंस बट आई एम अ क्विक लर्नर. आई ऑल्सो ट्राई टू टीच माई सेल्फ. I do not hesitate to ask questions and if necessary, I'll work twice as hard. I did not have much experience with data analysis in my previous job, but I stepped up and took over those duties, quickly learning on the job and getting feedback from my seniors. इधर आपकी honesty और sincerity appreciate की जाएगी. इस जवाब से interviewer को पता चलेगा कि आप कुछ नया सीखने में पूरा effort डालेंगे और पूरी मेहनत से आपका role fulfill करेंगे. अब आगे बढ़ते हैं हमारे बोनस टिप की तरफ. जबरदस्त बोनस टिप. शो देम हाउ यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव. उन्हें दिखाइए आप बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे प्रूव करेंगे दैट यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव. वेल, ये है हमारा बोनस टिप. दीज आर अ फ्यू वेज जिससे आप दिखा सकते हैं यू हैव ऑलरेडी टेकन द स्टेप्स टू इम्प्रूव. याद रखिए, ये बातें सिर्फ कहने की नहीं, करने की है. आप उन्हें बता सकते हैं कि आपने अपने स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए वर्कशॉप ज्वाइन किया है. आप उन्हें वर्कशॉप से मिला पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं. अगर आप अपने मैनेजर या कलीग से फीडबैक मांगते थे तो इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि उस फीडबैक से आपको क्या फायदा हुआ. जिस चीज में आप वीक हैं, आपकी टीम में ऐसा कोई हुआ होगा जो उस चीज में एक्सपर्ट था. अगर आपने उनसे मदद ली है तो आप अपने इंटरव्यूअर को उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं. अगर आपने इनमें से कोई चीज नहीं की है तो इंटरव्यूअर को जो भी चीज आपने किया हो उस चीज का एग्जाम्पल दे सकते हैं. तो ये थे हमारे टिप्स, सजेशंस और एडवाइस. अब आप कॉन्फिडेंटली अपनी वीकनेस के बारे में बात कर सकते हैं. इन एग्जाम्पल्स को समझकर अपनी वीकनेस को शेयर करने का जवाब बना सकते हैं. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो दिल खोल के कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब. अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए. और अगर पूछने हैं और भी सवाल, देन जस्ट कमेंट बिलो और हम लाएंगे उनके जवाब इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ना कर कोई फिक्र, शुरुआत कर इंडीड पर.